हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो वी आर रीडिंग अबाउट चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स में असी साडा लास्ट टॉपिक सी ग्रिलियस एक्सपेरिमेंट। सो असी फिलहाल हुण किया छोटा जिहा रिव्यू लेना भी ग्रिलियो ने की किया सी। सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड इहदे विच साडा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। एंड बिफोर रीडिंग इनर्शिया वी हैव टू नो अबाउट द ग्रिलियस एक्सपैरीमेंट, जिहड़ा असी लास्ट लैक्चर च कीता सी ग्रिलियस एक्सपैरीमेंट। सो असी एक बार फिर एक क्लीयरली देख लैने आ की सी। इट इज़ क्लीयर फ्रॉम ग्रिलियस एक्सपैरीमेंट डैट ऑल ऑबजैक्ट्स हैव ए टेंडेंसी टू कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ रैसट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ग्रिलियो ने की कहा सी कि कोई भी ऑबजैक्ट जिहड़ा हैगा वा उहदी टेंडेंसी आ, टेंडेंसी मीनस वो की चाहुंदा वा कि जेकर वो रैसट च हैगा वा तो रैसट ते ही पिया रहे, तो जेकर यूनिफॉर्म मोशन मीनस किसी स्पीड नाल मूव करता पाया वा, चाहे स्पीड वो ठीक है सेम स्पीड नाल, जिस तरह जेकर 40 की स्पीड नाल मूव करता पाया तो 40 की स्पीड नाल ही मूव करी जाए, जेकर एक जगह पर खड़ा हैगा वा तो वो रैसट ते ही रहना चाहुंदा वा, वो अपनी टेंडेंसी नूं चेंज नहीं करना चाहुंदा। किन्नी देर तक? अंटिल कदों तक? एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जदों तक असी इहदे उपर की आ बाहरों कोई फोर्स नहीं लगाने। एक्सटर्नल मीनस असी बाहरों कोई फोर्स नहीं लगाने। जिस तरह ज्यूम करो कि जिस तरह साडा ग्लास ही हैगा वा, ठीक है, ग्लास एक जगह पर पिया आ वा, ठीक है, कि स्टेट पर हैगा वा, ये स्टेट ऑफ रैसट पर आ। सो यदी ग्लास की की टेंडेंसी होएगी कि वह रैसट पर ही रहना चाहता वा, ठीक है, जिथे एक जगह पर पिया उत्थे ही पिया रहना चाहता वा। कदों तक? जदों तक असी इनू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मीनस अपने हैंड नाल पिक नहीं करते, इस ग्लास में हैंड नाल पिक करके जिनी देर तक असी एक जगह तो दूसरी जगह पर मूव नहीं करते उन्नी देर तक ग्लास ये मूव नहीं होएगा, मीनस उसकी टेंडेंसी है वो जिहड़ी स्टेट च हैगा वा उस ही स्टेट च ग्लास रहना चाहता वा। कदों तक? जदों तक असी ये उपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। सो इनू ही असी की कह देने से, एक किन्ने दसिया से सानू ये कंसैप्ट बारे सब तो पहला ग्रिलियो ने दसिया से, ठीक है। इसे कंसैप्ट ने असी अगे लैके जाना तो असी कि बारे रीड करना वा, इनर्शिया बारे रीड करना वा। सो इनर्शिया हुंदा की आ? सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल हैल्प टू अंडरसटैंड द ऑब्जरवेशन ऑफ ग्रिलियोस एक्सपैरीमेंट, ठीक है। ग्रिलियो के एक्सपैरीमेंट हूँ की है, वाली एग्जाम्पल्स नाल ही असी उन्होंने की है समझ सकते हैं। किस तरह? सब तो पहला की एग्जाम्पल दी हुई है, प्लेस ए कपबोर्ड ऑन एन एम्प्टी टम्बलर, ठीक है, कपबोर्ड में रख्या वा, ठीक है, असी एम्प्टी खाली ग्लास के उपर रख्या वा, जो छोटा जहा सा कपबोर्ड है, ठीक है। एंड ए कोइन ऑन द कपबोर्ड, ठीक, कपबोर्ड के उपर असी छोटा जहा की रख लिया, एक कोइन रख लिया, एज शोन इन द डायग्राम, जिस तरह सानू डायग्राम से दसया गया, ठीक है। नीचे फिर दोबारा लिखा हुआ है, कार्डबोर्ड एंड कोइन प्लेस्ड ऑन एम्प्टी टम्बलर, ठीक है, एम्प्टी जो ग्लास वा उपर असी कार्डबोर्ड रख्या, एंड कार्डबोर्ड के उपर असी की रख्या हुआ वा, एक कोइन रख्या हुआ, सिक्का रख्या हुआ। उस तो नैक्सट असी की करना वा, फ्लिक द कार्डबोर्ड विद द फिंगर, जो सा कार्डबोर्ड हैगा वा असी कलाड मीनस फिंगर नाल असी की करना, उन्होंने फ्लिक करना वा, ठीक है, जिस तरह फिंगरस क्रॉस करके असी, ठीक है, मूव करना वा उन्होंने, ठीक है, थोड़ा जहा कह सकते हैं पुश करना वा कार्डबोर्ड में, उहदे नाल की होएगा, उहदे नाल की असी ऑब्जर्व करांगे द कोइन ड्रॉप्स इन टू द टम्बलर, जिहड़ा कोइन आ साडा वह ज़्यादा मूव नहीं करेगा, टम्बलर साडा की है एक साइड नूं खिंचया जाएगा, बट जिहड़ा साडा कोइन की हैगा वा वह साडा किहदे विच मूव कर जाएगा, जिहड़ा खाली कप ग्लास हैगा सी उहदे विच। ये क्यों होया? की है, वैन वी फ्लिक द कार्डबोर्ड मूवस फास्ट, ठीक है, कार्डबोर्ड बहुत स्पीड नाल मूव किया, वेयर एज द कोइन कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रैसट एंड हैंस ड्रॉप्स इन द टम्बलर, ठीक है। असी कोइन नूं मूव करन दी कोशिश नहीं की, असी किहनूं कीती? मूव करन दी कोशिश की हुई है कार्डबोर्ड नूं, जदों असी कार्डबोर्ड नूं मूव किया, जो साडा जिहड़ा कोइन सी वो कोइन की चाहुंदा सी कि उह जिहड़ी स्टेट ते हैगा उस स्टेट ते रहे, मीनस वो जेकर रैसट ते हैगा तो रैसट ते ही रहना चाहुंदा सी, तां करके क्योंकि वो अपनी जगह ते उत्थे ते उत्थे ही की आ ग्लास दे विच नीचे गिर गया, ठीक है, वह बिल्कुल भी मूव नहीं किया। सो नैक्सट नीचे असी लिखा हुआ वा, कोइन ड्रॉप्स इन टू द टम्बलर एज द कार्डबोर्ड इज फ्लिक्ड, जो असी कार्डबोर्ड में खिंचया तो कोइन साडा किहदे विच ड्रॉप हो गया टम्बलर मीनस ग्लास दे विच। नैक्सट एग्जाम्पल लई हुई आ, फिर एग्जाम्पल दी हुई न्यू, ए पसेंजर स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस, पहले भी एग्जाम्पल दी हुई सी, कोई भी जिस तरह साडा पसेंजर वा, ठीक है, जिहड़ा बस से सफ़र करता पाया, ज्यूम करो एक मूविंग बस, बस मूव करती भी वेद की हैगा वा स्टैंडिंग हैगा एक जगह पर खड़ा हैगा वा, बट लीनस फॉरवर्ड वैन द ब्रेक्स आर अपलाइड ऑल ऑफ सडन, की हों वा जो असी एकदम बस दिया ब्रेक्स लगदियाँ जिस तरह असी बस के खड़े हुई है तो की हों वा असी एकदम अगे मूव करते हैं, ठीक है, बस से साड़ी रैसट तो आती है एक जगह पर खड़न लगती है, बट असी की एकदम अगे मूव करते, क्यों हों वा
दिस इज बिकॉज द बॉडी ऑफ द पैसेंजर इज इन मोशन अलोंग विद द बस। साड़ी बॉडी किहदे विच हुंदी है, क्योंकि मोशन विच हुंदी है। किस तरह मोशन हुंदी है, क्योंकि बस मूव करती पई है, उहदे नाल साड़ी बॉडी भी की करती पई है, मूव करती पई है। बट वैन द बस स्टॉप्स, जदों बस स्टॉप हुंदी है, ऑल ऑफ सडन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स टू रेस्ट। ऑल ऑफ सडन की हुंदा, जो बस स्टॉप करते हैं, असं ब्रेक्स लगाने, साड़ी लोअरस जिहड़ियां साड़ियां लैग्स वगैरह है, साड़े पैर है, फीट है, वह की आ जाते हैं, एकदम ही रेस्ट पर आ जाते हैं। किहदे नाल? बस दे नाल। वेयर एज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड। बट साडा जिहड़ा बॉडी का उपरला पार्ट हैगा वा, जिहड़ा साडा चैसट वाला पार्ट आ, साडा हैड वा, वह की आ, जे जिस तरह बस मूव करती पई सी, असी की आ मोशन में सी, असी साडी बॉडी की चाहती है कि असी मोशन में ही रहिए, रैसट तो नहीं आना चाहते। बस के नाल साडा लोअर पार्ट तो रैसट पर आ जाता वा, बट जिहड़ा साडा उपरला पार्ट हैगा वा, वह की आ, लगातार मूव ही करते रहना चाहता वा, ता करके की आ, असी एकदम अगे नू लीन हो जाने, अगे नू टिक जाने। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल कि हैगी गलीलियो ने जिहड़ा दस्सिया। एंड मूविंग फरदर की है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स इट इज़ क्लीयर दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, सेम उही गल, कोई भी ऑब्जेक्ट वा, एग्जाम्पल तो सानू की पता लगा, कोई भी ऑब्जेक्ट वा, वो जां ते स्टेट ऑफ रेस्ट ते रहना चाहुंदा, जे पहला तो ही रेस्ट ते हैगा वा, तो जेकर वह मूव करता पिया वा यूनिफॉर्म मोशन विच, वह की मूव ही करते रहना चाहुंदा वा। ठीक है, कदों तक? जदों तक असीं दे उपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उहनूं नहीं रोकदे हैगे। सो नैक्सट वन साडी की दी, फिर इतों ही साडी डेफिनेशन की आ जानी है, अनर्शिया की डेफिनेशन आ जानी है। फिर अनर्शिया की डेफिनेशन जी बोल्ड लैटर दिखती की होएगी, सो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी वो की चाहता वा, टू रजिस्ट, रजिस्ट हों किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को मना करना अं कह सकते हैं। सो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड अनर्शिया। सो अनर्शिया की होएगा, कोई भी जिहड़ा साडा ऑब्जेक्ट हैगा वा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वो वाली टेंडेंसी जिदे नाल जो भी उहदे विच चेंज आउंदी आ उहनूं की करदा वा, वह अपोज़ करदा वा, रजिस्ट करदा हैगा वा। ठीक है, मीनस कि जिस तरह वह मूव करता पिया वा, तो वह चाहेगा कि मूव ही करता रहे, जेकर असीं उहनूं स्टॉप करन की कोशिश करांगे वह स्टॉप नहीं होना चाहता, तो जेकर वह स्टॉप हैगा वा तो असीं उहनूं मूव करना चाहवांगे तो वह की ऑब्जेक्ट मूव कर नहीं करना चाहता। सो उहदी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जिहड़ी अपनी स्टेट जिहड़ी भी उहदी चेंज हुंदी पई आ, चाहे वह स्टेट ऑफ रेस्ट हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन होनू की करता वा, उस स्टेट को रजिस्ट करता वा। मीनस जो भी असं करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट चाहता कि हमेशा उस तो अपोजिट ही हो, जी पहला स्टेट में है उस स्टेट में ही रहना चाहता वा। जिस तरह बेस्ट सब तो वधिया एग्जाम्पल जिस तरह अभी की है, सवेरे मोरनिंग टाइम उठते हैं, जेकर सानू कोई उठाने की कोशिश करता वा तो असं की चाहते हैं कि सानू कोई ना उठावे, असी ठीक है सुते तो सुते ही रहना चाहते हैं। मीनस जी साड़ी स्टेट हैगी असी उन्हें चेंज नहीं होने देना चाहते, असी जागना नहीं चाहते। मीनस असी फिर जो असी उठना वा उन्हें की करते, उठो की करते हैं, अपोज करते हैं, रजिस्ट करते हैं, उस दिन असी की कह दें, अनर्शिया कह दें। नैक्सट अनर्शिया की हैगा वा, फिर एक और एग्जाम्पल दी हुई है, सेम उही एग्जाम्पल आ, थोड़ा जहाँ की है एलैबोरेट किया जाए। अनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रोपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की खासियत हैगी प्रोपर्टी हैगी, कोई भी मैटर, चाहे कार लै लीए, जेकर कोई साढ़े घर कोई बॉडी पई हुई है, चीज़ पई हुई है, ठीक है, वह लै लीए, बस स्कूटर लै लीए, मैटर, मैटर मीनस एनीथिंग, यूनीवर्स में जो भी हैगा वा। ठीक है, मैटर की हैगी प्रोपर्टी हैगी अनर्शिया, कि जिदे नाल की हुंदा वा, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिदे करके की हुंदा वा, इट अपोजस एनी चेंज, किसी भी चेंज नूं की करती आ, अपोज करती है, कि चेंज नूं, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, चाहे वह जेकर रेस्ट ते होवे, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिस स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव करता पिया वा, तो वह की चाहेगा कि वह रेस्ट ते ना आवे, लगातार मूव ही करता रहे। ठीक है, सो वह जेकर असी उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करांगे तो की चाहेगा कि वह स्टॉप ना होवे, सो अपनी स्टेट नूं की आ अपोज करे, जिहड़ी भी असी उहदी स्टेट नूं चेंज करदे पए आ, ठीक है, उहनूं की करे, जेकर अपोज करे, ठीक है, तो उहनूं असी की कह दिंदे आ, अनर्शिया कह दिंदे आ। ठीक है, नैक्सट, अनर्शिया इज क्लासीफाइड एज अनर्शिया ऑफ रेस्ट, अनर्शिया ऑफ मोशन, अनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है, तीन टाइप ना इनर्शिया ने असी क्लासीफाई करते हैं। नंबर वन इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन सब्जेक्ट जेकर एक जगह पर खड़ा है वा उन्होंने असी रेस्ट कह दें। इनर्शिया ऑफ मोशन मीन सब्जेक्ट जेकर मूव करता पाया वा, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मीनस ऑब्जेक्ट जेकर उसकी डायरेक्शन की होंगी पी आ चेंज होंगी पी है। जिस तरह एक जगह पर स्ट्रेट ही जाता पाया ऑब्जेक्ट उन्होंने असी राइट साइड में या लैफ्ट साइड में उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है उन्होंने सर्कल में मूव करना पे, या सर्कल में मूव करता पाया उन्होंने असी स्ट्रेट में स्ट्रेट लाइन में मूव करना पे। ठीक है, उन्होंने कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मीनस असी जेकर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की आ चेंज करनी हो, बट ऑब्जेक्ट उन्होंने की आ नहीं चाहता। सो इन तिन्ह चीज़ों असी फिर हम नैक्सट स्लाइड में की करना वा चंगी तरह रीड करना है। सो इन द नैक्सट स्लाइड सब तो फस्ट एग्जैम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट दी एग्जैम्पल्स कि असी सब तो पहला वो देख लें। ठीक है, सो सब तो फस्ट एग्जैम्पल ए पसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस लीन्स बैकवर्ड्स वैन द बस स्टार्ट्स ऑल ऑफ द सडन। जी एग्जैम्पल असी पहला देखिए उस तो ऑपोजिट आ, ऑपोजिट मीनस जेकर साड़ी बस एक ही जगह पर स्टॉप हैगी एक जगह पर खड़ी हो मतलब साड़ी बॉडी कि हैगी स्टेट में रेस्ट च हैगी, असी एक ही जगह पर खड़े रहना चाहते हैं, बट की है जो पसेंजर एक जगह पर स्टैंड है वा जिस तरह। ठीक है, तो जो बस ऑल ऑफ सडन असी उन्हें स्टार्ट करते हैं मूव करती है तो की हों पाया वा बस की स्टेट की चेंज होंगी पी आ, वो रेस्ट तो मोशन में आँदी पी है। बस पहले एक जगह पर खड़ी हैगी है जो मूव करना स्टार्ट कर देंगे वो रेस्ट तो मोशन में आ जाती है, बट साड़ी बॉडी भी की होंगी है बस के नाल ही रेस्ट पर होंगी है, बट साड़ी बॉडी नहीं चाहती कि वह की आ मूव करे, ता करके हों वा साडे जेडे पैर हैं जो लोअर पार्ट आ बॉडी का वो तो मूव कर जाता वा, बट सा जो अपर वाला पार्ट है बॉडी का वो की चाहता कि एक जगह पर रेस्ट की रहे, ता करके साडा जिहड़ा बॉडी की होंगी बैकवर्ड वाली साइड में उपरले पासे तो मूव करती है। क्यों? क्योंकि असी अपनी स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहते, जेकर असी रेस्ट पर हाँ तो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं। सो फस्ट एग्जैम्पल ये होगी। नैक्सट सैकेंड एग्जैम्पल फ्रूट्स फॉल डाउन वैन द ब्रांचिस ऑफ द ट्री आर शेकन। ठीक है, पता ना कोई भी असी किसी की भी टहनी रुख वगैरह की टहनी नहीं जो असी जोर जोर की हिलाने तो उपर जोड़े भी फ्रूट्स लगे होंगे की हो जाते हैं नीचे डिग जाते हैं। क्यों हों वा? क्योंकि जोड़ी साड़िया टहनिया होंगे वा ब्रांचिस दी की है एक जगह पर रेस्ट पर होंगे वा, जो रेस्ट पर होंगे वा एकदम जो असी टहनिया हिलाने टहनिया की साड़ी की हो जाती है वो रेस्ट तो कितने आ जाए वा मोशन से आ जाए वा, बट जो फ्रूट्स लगे होंगे टहनिया की चाहते हैं कि वह एक जगह पर रेस्ट पर ही रहन, ता करके ब्रांचिस से टहनिया एक जगह तो दूसरी जगह पर मूव कर जाए वा, बट फ्रूट्स जो उस जगह पर रहना चाहते हैं तो करके की आ नीचे गिर जाते हैं जो असी जोर जोर की ब्रांचिस हिलाने। टहनिया तो एक जगह तो दूसरी जगह पर मूव कर जाए बट फ्रूट्स अपनी स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहते, वो रेस्ट पर तो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं, ता करके ब्रांचिस नाल टुट जाते हैं तो नीचे गिर जाते। नैक्सट डस्ट पार्टिकल्स ऑन ए कारपेट फॉल्स वैन वी बीट द कारपेट विद ए स्टिक। ठीक है, कोई भी कारपेट वगैरह घर में साड़े हो जिस तरह असं जिन्हें पैर पूर अपने साफ करते हैं पैर वगैरह साफ करते हैं जिन्हों के नाल की हों जो असं उन्होंने कारपेट नाल कारपेट में जोर जोर की स्टिक नाल झाड़ते हैं तो की हों डस्ट पार्टिकल्स जोड़े साढ़े होंगे वो की है नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो असी स्टिक बहुत जोर की मारते हैं ठीक है कारपेट के उपर तो कारपेट की स्टेट फिर की होंगी है चेंज होंगी पी है रेस्ट तो मोशन में आता पे वा, बट जो साड़ी डस्ट पार्टिकल्स आ रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। कारपेट की एक जगह तो दूसरी जगह पर मूव कर जाता जो असी जोर जोर की स्टिक ना लाने बट डस्ट पार्टिकल साढ़े उत्थे दे उत्थे ही रहना चाहते हैं, ता करके वो कारपेट तो बाहर उस जगह पर रह जाते हैं एंड वो की है डस्ट पार्टिकल्स की है कारपेट तो बाहर डिग जाते हैं। ठीक है, एंड ये सारिया एग्जैम्पल्स कि रेस्ट वाली है। नैक्सट एग्जैम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन मीनस जेकर कोई ऑब्जेक्ट की है मूव करता पाया हो। हुण जो जी एग्जैम्पल से पहला वाली दी सी इस तो ऑपोजिट वाली एग्जैम्पल हैगी। ठीक है, फस्ट की है ए पसेंजर स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस, इतने पसेंजर की है मूविंग बस से खड़ा, इतने साडा पसेंजर कि खड़ा है जी बस की एकदम जो स्टार्ट होंगी है मीनस बस पहले की होएगी स्टॉप होएगी, इतने साढ़े की है जो बस मूव करती पी है मीनस साढ़े की है बस कि मोशन में हैगी है। सो जो भी पसेंजर जिस तरह बस में खड़ा हो पहला भी एग्जैम्पल दी हुई है की है जो मूविंग बस एकदम स्टॉप करती है सडनली जो बस स्टॉप करेगी तो की होएगा असी एकदम की करा सा उपरला पार्ट बॉडी का की है अगे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जेडे तो साढ़े पैर वगैरह है नीचे वाला पार्ट साढ़िया लैग्स है वा वो तो बस के नाल ही स्टॉप कर जाएँ वा, बट साडा बॉडी का उपरला पार्ट की आ मोशन में हों तो मोशन में ही रहना चाहता वा और स्टॉप नहीं करना चाहता और रजिस्ट करता वा ठीक है मोशन स्टॉप होने तो ता करके की है अगे मूव कर जाता वा जी साइड में मोशन हों वा उस साइड में मूव कर जाता वा।
नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ए मैन केयरलेसली अलाइनिंग फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन लीन्स फॉरवर्ड। ठीक है, जिस तरह असं चलती बस में उतरना हो चलती ट्रेन में जो एकदम उतरते हैं, ठीक है, तो की असं एकदम एक जगह से रैसट से तो नहीं ना आ जाते, सानू बस के नाल थोड़ी देर तक की भजना पैंदा वा, जिनी ज़्यादा स्पीड होएगी बस की उन्ना ही ज़्यादा दूर तक असं भजते हैं जो असं चलती बस में उतर जाने या चलती ट्रेन च उतर जाने। ठीक है, उन्ना ही ज़्यादा सानू क्यों भजना पैंदा वा, क्योंकि साड़ी बॉडी की आ एकदम ही ज स्टेट साड़ी की होंगी पी है चेंज होंगी पी, असं एकदम रैसट में आना चाहते हैं। चलती ट्रेन की है साड़ी बॉडी ट्रेन के नाल ही मूव करन दी होंदी आ, बट जो असं एकदम मोशन में आने ट्रेन के नाल एकदम जो असं स्टॉप होना चाहते असं स्टॉप नहीं हो सकते, साड़ी बॉडी नहीं चाहती कि असं की होइए स्टॉप होइए। ठीक है, तो करके सानू थोड़ी अदरवाइज जेकर असं एकदम स्टॉप करने की कोशिश करा असं उत्थे गिर जाएंगे। सो तो जेकर असी ठीक है हौली हौली ना करने की कोशिश करिए फिर सानू थोड़ा जा बस के नाल भजना पएगा, ट्रेन के नाल थोड़ा जा भजना पएगा, क्यों, क्योंकि साड़ी बॉडी स्टेट नू चेंज होने चेंज होने की करती है रजिस्ट करती है रोकती है, तो करके इस तरह का। नैक्सट एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो असं किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल द वाटर पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द साइकिल टायरस आर फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। ठीक है, देखा है जिस तरह असं बाइक वगैरह पर जाने पे हाँ, तो जेकर असी चिक्कड़ दे विचों दी पानी दे विचों दी बाइक जो लैके जावे तो की होंदा वा, जिहड़े पानी के पार्टिकल्स होंदे साडे बाइक के नाल ही उपर नूं आ जांदे आ। ठीक है, उपर तक छिटे पैंदे ना तां तक, क्यों, क्योंकि उहदी की आ डायरैक्शन चेंज होंदी पई आ, जिहड़े वाटर पार्टिकल्स साडे होंदे आ इक जगह ते पहलां रैसट ते होंदे आ, बट जदों उह टायरस दे विचों दी पास होंदे पए आ उहदे नाल उह की आ स्ट्रेट लाइन तों उपर नूं मूव करना स्टार्ट कर दिंदे आ, क्यों, क्योंकि उहदां दी डायरैक्शन चेंज होंदी पई आ। ठीक है, और डायरैक्शन चेंज नहीं होने देना चाहते अपने डायरैक्शन, ठीक है, ता करके कि टायर के नाल ही उपर नूं आ जाते हैं, काफ़ी जिनी ज़्यादा स्पीड होएगी उन्ने ही ज़्यादा साढ़े जिहड़े वाटर के पार्टिकल्स की आ जाएंगे उपर नूं आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्हां दी ड्रैग उन्हां दी की हो जाता हुंदा वा वह मोशन में आ जाते हैं सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं, जिस तरह पहले ही दस्सिया सी ज्यों ज्यों टायर मूव करते हैं वह कि टायरों के नाल ही उपर नूं मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि उन्हां दी जिहड़ी स्टेट वा वह चेंज ना हो, सर्कुलर मोशन ही वेच ही रहना चाहते हैं। नैक्सट एग्जाम्पल वैन ए ड्राइवर नीगोशिएटिंग ए कर्व, जिस तरह असी ड्राइवर कोई मोड़ वगैरह मोड़ता पाया असी किसी कार बाइक वगैरह से मोड़ मोड़ते हैं, द पसेंजर एक्सपीरियंस ए फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व। देखा जाना, ठीक है, जो असं एक साइड में मोड़ मोड़ते हैं तो साड़ी सारी सारी बॉडी कड़ी साइड में मूव कर जाती है, जिस तरह असं एक कार वगैरह में बैठे हुई है ऑपोजिट साइड में मूव कर देती है, क्यों, क्योंकि असं जो असं मोड़ मोड़ते पे जो असं स्ट्रेट लाइन में जाने पे हाँ साड़ी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में होंगी है, जो असं एकदम मोड़ मोड़ते हैं साड़ी बॉडी नहीं चाहती कि असं एक साइड में डायरेक्शन चेंज करिए, असं सीधा का सीधा सेम डायरेक्शन में ही रहना चाहते हैं, तो करके जिहड़ी साइड में असं मोड़ मोड़ते हैं उस तो ऑपोजिट साइड में साडा की थोड़ा जिहा असीं की आ मूव कर जाती है साड़ी बॉडी, क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन में चेंज नहीं होने देना चाहते। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया, यू नो रेस्ट मोशन एंड डायरेक्शन। नैक्सट इनर्शिया से असं की करनी है डेफिनेशन, असं कह सकते हैं मैथमैटिकल फार्मूले देना। नैक्सट इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, किसी भी बॉडी का इनर्शिया कि डिपेंड करता है वो मास से डिपेंड करता वा, दिस इज दैट इज मैसिव ऑब्जेक्ट पजेसिस मोर इनर्शिया दैन द लाइटर वंस। ठीक है, इनर्शिया साडे किहदे ते डिपेंड करता वा, मास ते ऑब्जेक्ट करता है, किसी भी बॉडी के वेट ते करता वा, जिन्ना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होएगा भार होएगा उन्ना ही ज़्यादा उस बॉडी का की होएगा इनर्शिया होएगा, जिन्ना ज़्यादा किसी बॉडी की लाइटर होएगी मीनस घट भार होएगा उन्ना ही उसका इनर्शिया घट होएगा। जिस तरह असं एग्जाम्पल लीए, ठीक है, फुटबॉल में की है असं जेकर एक सर्कल में मूव करना हो तो थोड़ा आसानी नाल मूव कर जाएगा, बट जेकर एक पत्थर साडा सीधा मूव करता पिया होगा पत्थर नूं असं एक सर्कल में मूव करना होगा तो बड़ी मुश्किल नाल असं मूव करांगे, क्यों, क्योंकि वह अपने डायरेक्शन में चेंज नहीं होने देना चाहते, फुटबॉल का जिहड़ा साडा मास वो थोड़ा घट हुंदा वा बट जिहड़ा साडा स्टोन हुंदा वा वड्डा पत्थर होएगा जिहड़ा वड्डा स्टोन होएगा वह की आ उहदा मास ज़्यादा होएगा, जिन्ना ज़्यादा मास होएगा उन्ना ही ज़्यादा इनर्शिया होएगा एंड जिन्ना ज़्यादा इनर्शिया होएगा वह अपनी टेंडेंसी को चेंज नहीं होने देगा, जिहड़ी टेंडेंसी ना मूव करता वा उसे नाल ही मूव करना चाहेगा। फुटबॉल में असी जेकर एक जगह से रैसट देगा वा एकदम वो जेकर असी थोड़ा जि भी किक मारांगे मूव कर जाएगा, बट जेकर एक पत्थर पिया होगा सेम फुटबॉल दे ठीक है जिन्ना उहदा एरिया होए बट उहदा मास बहुत ज़्यादा हुंदा फुटबॉल नाल उहनूं असी किक मारांगे बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उहदा मास ज़्यादा हैगा वा, जिन्ना ज़्यादा मास होएगा उन्ना ज़्यादा की होएगा इनर्शिया होएगा, तां करके वह अपनी स्टेट नूं चेंज नहीं होने देगा, चेंज स्टेट नूं की करेगा वह रजिस्ट करेगा। सो दिस इज इनर्शिया।
नैक्सट न्यूटनस लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, असं नैक्सट लैक्चर करा हूँ। सो डैट्स फॉर नाओ, हूँ कितों तक असं कर लिया हो इनर्शिया बारे असं रीड किया।